लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना ही ये वैलिड है पूरी तरह से और ना ही ये इनवैलिड है पूरी तरह से। कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशंस में ये काम करता है, कुछ में नहीं करता है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा डीपली जाके समझना होता है ये वर्क कैसे करता है। जैसे इन शॉर्ट, जिस भी मॉर्निंग हमारे को एक अच्छा फील आता है या हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है, उस दिन ज्यादा होती है। और इसी तरह जिस रात हमें अच्छी नींद आती है या जिस दिन भी हम थोड़े पीसफुल महसूस करते हैं या काम महसूस करते हैं, तो हमारे को नींद अच्छी आती है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या सही और गलत डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो प्लान है, उसके ऊपर कि वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा। माइंड हर वक्त आपका डुअल मोड में काम करता है, अच्छा बुरा, सही गलत, इस तरीके से माइंड में चीजें चलती हैं और ये सभी के साथ ऐसे चलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क की तरह ही काम करता है। तो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। लोग जो सोचते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं या जो सुनते हैं या सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं कि मैं कुछ मांगूंगा या मैं कुछ सोचूंगा, बार बार उसको माइंड में उस फील को, उस थॉट को लाऊंगा तो मेरे को वो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बॉडी के लेवल पे तो ये विजिबल हो सकता है, बट आउटर पार्ट पे बड़ा मुश्किल है। जो एक्सटर्नल पार्ट है उस पे ये इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर ऐसा ही होता तो कोई भी गरीब नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी भूखा नहीं सोता, सब लोग वेल ऑर्गेनाइज, वेल मेंटेन, वेल रिच होते। माइंड में जो भी सुबह से रात तक चलता है, या उसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, जो हम ओवर थिंक करते रहते हैं, वो भी एक तरीके का स्ट्रेस है। ओवर थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। जब आप एक ही चीज बार बार अपने मन में, अपने अंदर चलाते रहेंगे, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा जाके। सपोज जैसे किसी को शुगर है, डायबिटीज है, और वो बार बार एक ही बात सोचता रहे कि मेरी शुगर हाई ना हो जाए, मेरी और प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए, तो वो ओवर थिंकिंग जो है वो स्ट्रेस का लेवल बढ़ाएगा और उसकी वजह से वो आपकी बॉडी के लेवल पे विजिबल होने लगेगा और एक दिन वो आपको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि जिस तरीके का हम लोग सोचते हैं या एक्ट करते हैं, तो वो बॉडी उसी चीज को सेंस करने लगती है और आपको वही फील होने लगता है और वो उस रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ना चाहते में भी आप अपनी बीमारी खुद बढ़ा लेते हैं। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं आप। और जो लोग दिन भर यही सोचते रहते हैं कि भाई मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो मैं ये कर लूंगा, मेरे को ये मिल जाएगा, मेरी ये नीड पूरी हो जाएगी, या मेरा कोई ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा, मेरे को घर गाड़ी पूरा हो जाएगा जो मुझे लेना चाहता हूं, तो ये मांगने से नहीं मिलता। इसके लिए आपको कैपेबल होना ही जरूरी है, आपको कुछ करने की ही जरूरत पड़ेगी। ये मन में गुनगुनाने से, सोचने से नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है, चाहे आगे कि 100 साल हो, चाहे 1000 साल हो। जो लोग सोच रहे हैं वो सोचते ही रहेंगे, मांगने से ऐसे कभी किसी के पे पैसे नहीं आएंगे। उसके लिए आपको कैपेबल ही होना पड़ेगा। जितने भी लोग ये सब बताते हैं, तो
इन्हीं सब चीजों को लोग देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं तो उनका विश्वास बढ़ने लगता है, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ अपना और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपको समझना है तो उसको ऐसे समझो, कैपेबिलिटी क्या है, आप कैपेबल किसे कहते हैं। कैपेबिलिटी का मतलब है आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपके टैलेंट। आप अगर पूरे तरीके से सक्षम है तो आपका जो रिजल्ट है, चाहे वो आपका जॉब में हो चाहे वो आपके बिजनेस में हो, वो उसी तरीके से आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि आप जो सोचोगे वो उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन यहां सोचने का मतलब ये नहीं कि आपने बैठे हैं और सोच रहे हैं पैसा आ जाए, तो ऐसे नहीं आ सकता, ये कहीं भी पॉसिबिलिटी है नहीं। यहाँ आपको कैपेबल बनना पड़ेगा और अपनी ये सारी एक्सपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। जब आप धीरे धीरे अपने बिजनेस में या जॉब में जो आपकी एक्सपर्टीज है वो अप्लाई करते जाएंगे, आप रिफाइन होते जाएंगे, कुछ नया सीखते जाएंगे, कुछ नया अप्लाई करते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे उसमें ग्रो कर जाएंगे। और अगर आपने कोई शॉर्टकट सोचा या कहीं और कहीं दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो ये श्योर है आप 100% फेल हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म वो लॉन्ग लाइफ नहीं होता, वो कुछ ही समय के लिए होता है, कहीं ना कहीं आप लैक कर जाएंगे उसमें। तो यहाँ एक बात क्लियर है और समझ आ रही है कि जो भी सोचो वो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग से क्या है, नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो आपको एक गलत डायरेक्शन में लेके जाने लगते हैं, और उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो होती जाती है, आउटकम रिजल्ट पूरा जीरो हो जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग में क्या आता है, पॉजिटिव थिंकिंग में ये आता है जो आपको पीसफुल रखे, जो आपके अंदर पेशेंस दे सके, जो आप में वो जो स्ट्रगलिंग पार है वो आपकी बढ़ा सके। तो जो भी मेहनत या हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग है, और नेगेटिव तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है। आप कोई भी चीज ओवर थिंक करते जाओगे वो स्ट्रेस और एंजाइटी आपकी बढ़ाता जाएगा, और एक दिन वो कहीं ना कहीं आपको बॉडी के लेवल पे हिट करेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नली तो विजिबल नहीं हो रहा बट वो इंटरनली विजिबल होने लगेगा। इसलिए हेल्थ को ही वेल्थ कहा गया है। तो अगर हेल्थ मेंटेन रहेगी तो आज नहीं कल नहीं परसों एक दिन आप कुछ ना कुछ अचीव तो करोगे, क्योंकि अगर हेल्थ भी नहीं रहेगी तो वेल्थ भी नहीं रहेगी और आप भी नहीं रहेंगे। तो बेटर तो वही है कि कुछ जो भी सोचो वो पॉजिटिव सोचो, और उस पॉजिटिव से ही कुछ निकल के आ सकता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा पार्ट है जो बहुत ही हमने डिस्कस किया है, इसलिए इसको इन शॉर्ट यही समझना है कि कोई भी चीज खुद से वर्क नहीं करती है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉज और उसका इफेक्ट होता है। तो ये बात समझनी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फुली वैलिड नहीं है, लोग इसको कुछ और समझते हैं, लेकिन समझने वालों को जिनको पता है तो वो इस चीज को उसी तरीके से मानते हैं और यूज करते हैं जितना कि वो जानते हैं। तो यही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का छोटा सा मैसेज है जो आज हमने डिस्कस किया है। तो यही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। तो बेटर है कैपेबल बनो और अपने आप में एक कुछ नया सीखने या करने का जो फायर है वो कहीं से शुरू करो। थैंक यू।